उधर दिल्ली बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी, प्रवेश वर्मा, रमेश बिधोड़ी और हंसराज हंस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। बीजेपी सांसद ने कहा कि जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने 20 करोड़ में विधायकों को खरीदने का आरोप लगाया है, इसकी जांच होनी चाहिए और पता लगना चाहिए कि आखिरकार आम आदमी पार्टी के विधायकों को खरीदने की कोशिश की तो किसने की। इस मसले पर बीजेपी सांसद हंसराज हंस से खास बातचीत की हमारी संवाददाता ममता चतुर्वेदी ने, देखिए। सांसद हंसराज हंस जी हमारे साथ हैं, इनसे बात करते हैं। आप लोगों ने एक पत्र लिखा है, क्या लिखा है उपराज्यपाल? उपराज्यपाल को यही लिखा है कि ये जो फोन वाली बात है, खरीदने वाली खरीदो फरोख्त की बात है और 20 करोड़ तक दाम की बात है, तो इसको झूठ को झूठ, सच का निर्णय होना चाहिए। आप लोग चाहते हैं जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल या फिर मनीष सिसोदिया लगातार आरोप लगा रहे हैं कि उनको खरीदने की कोशिश हो रही है, तो आपको लगता है कि अब पता चल जाएगा कि आखिरकार खरीदने की कोशिश किसने की? एक गलती होगी जो उन्होंने कहा फोन हमें आया, इतनी जिम्मेवारी वाले उस कुर्सी पे बैठ के जो उन्होंने बोल दिया है, वो तो आजकल तो एकदम आप निकाल सकते हैं किसने किसको किस वक्त फोन किया। क्या आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी लगातार झूठ बोल रही है? हाँ जी, वो तो अभी इसीलिए तो लेटर लिखा कि पूछो कि भैया अब कुछ किसी चीज़ का वो होता है ना लिमिट भी, तो अभी तो सारा कुछ क्रॉस हो गया। देने के लिए शुक्रिया। ममता चतुर्वेदी, जनतंत्र टीवी, दिल्ली।